मुख्यमंत्री महोदय का शुभ आगमन जोरदार तालियां सभी से निवेदन है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, वित्त मंत्री जेपी दलाल जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देश बोलिए भारत माता की। आज बहुत ही सौभाग्य शुभ अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायक सिंह जी दो महत्वाकांक्षी योजनाएं किसान हित में शुरू की गई, किसान कल्याण के लिए शुरू की गई ईएसटी पूर्ति पोर्टल और दयालु योजना यानी दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना परिवार प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और किसानों को मुआवजा राशि देकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक कनिक से यानी बटन दबा करके हरियाणा के ₹49,325 किसानों को ₹133,82,00,000 रुपए का मुआवजा एक बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कृतज्ञों से किया जाएगा। जोरदार तालियां सभी से निवेदन है। अनुरोध है बैठ जाए। जैसा कि आपको विदित है आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान करेंगे और पूरे प्रदेश के 49,325 किसानों को आज बड़ी खुशी की बात है कि ये सीएम साहब बीमारी में आए हैं और ऐसा काम करने आए हैं जो गरीबों के लिए बहुत ही भला करने वाला काम होगा। हम जानते हैं कि जो गरीब है वो दाल रोटी तक के लिए जो है उसको लाने पड़ जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ी सी भी अगर सहायता दी जाए तो उसका परिवार बल होकर आगे बढ़ता है। अंत्योदय स्कीम जो शुरू करी है, ये सुरक्षा स्कीम जो बीजेपी ने शुरू करी है और जिसका अपार जो है सर्टिफिकेट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर देंगे, ये बहुत ही लाभदायक स्कीम है और स्कीम के तहत बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से महरूम रह जाते हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। स्कीम का जो पूरा लंबा चौड़ा जो सिलसिला है वो सीएम साहब बताएंगे। मैं तो केवल एक बात कहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है विकसित भारत का, वो विकसित भारत हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है 2047 तक आगे बढ़े, यही संकल्प के साथ हमने आगे काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जो नीतियां बनाई जा
माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और मुझे पूरी आशा है कि भिवानी की आवाज जो है आने वाले समय में पूरे के पूरे हमारे गांव के लोग भिवानी तालुक में अंतर्गत जो है ये जो है ये बीजेपी का हाथ मजबूत करकर पूरी तरह से बीजेपी की सरकार बनेगी और आने वाले समय में सरकार के तहत जन हित के काम होकर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम किरण चौधरी जी। जोरदार तालियां डीएसपी कोर्ट की स्वागत के माध्यम से लोहार विधानसभा क्षेत्र के किसान इंदर सिंह पुत्र सीसराम को राशि देकर की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आभारित किया है। अगला निवेदन है रूढ़ीराम पुत्र श्रीराम परमात्मा।